हे गाइस, वेलकम टू ए मैकेनिकल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में कंप्यूटर साइंस ब्रांच के ऊपर बात करेंगे। जितनी भी NITs हैं सबका मैंने लास्ट ईयर का एवरेज प्लेसमेंट और कितने बच्चे यहाँ प्लेसमेंट हुए सबका मैंने निकाला है और ऑर्डर में अरेंज किया है। तो सारी NITs का आपको CSE का अब प्लेसमेंट पता चलेगा इस वीडियो में। ऑर्डर में मैंने अरेंज किया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि कुछ कॉलेज ऐसी हैं जिनमें CSE का प्लेसमेंट बहुत ही खतरनाक है बट उनकी NIF रैंकिंग उतनी अच्छी नहीं है। तो CSE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। और कुछ कॉलेज ऐसी हैं जो आपको कम रैंक पे भी आसानी से मिल जाएंगे और उनका CSE का प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा है। तो चलिए मैं आपको बारी बारी से आपको बताता हूँ। नंबर वन पे जो NIT है वो NIT तिरची, 98.8% यहाँ स्टूडेंट प्लेस हुए थे और एवरेज प्लेसमेंट 25.97 गया था। ये NIT में हाईएस्ट एवरेज प्लेसमेंट है जो कि NIT तिरची का है, 26 LPA के आसपास जाता है। उसके बाद NIT इलाहाबाद 98.39% स्टूडेंट प्लेस हुए थे और 25.89 यहाँ LPA। आप थोड़ा शॉक हो गए होंगे कि सेकंड नंबर पे NIT इलाहाबाद कैसे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, 2022 में NIT इलाहाबाद सेकंड नंबर पे थी एवरेज प्लेसमेंट के मामले में और NIT सूरत कल, NIT वारंगल, इन सबसे अच्छा प्लेसमेंट NIT इलाहाबाद ने करके दिखाया। सो NIT इलाहाबाद को बिल्कुल भी इग्नोर ना कीजिए, NIF रैंकिंग कुछ भी कहती हो, बट CSE का यहाँ प्लेसमेंट बहुत ही ज़बरदस्त है। NIT वारंगल 98.20 स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं, 25.50 LPA यहाँ गया है। NIT सूरत का लाती है, 96.15% यहाँ प्लेस हुए हैं और 25.28 यहाँ LPA। सो वारंगल, तिरची, सूरत का, इलाहाबाद, तीनों का लगभग ऑलमोस्ट सेम है, 25 के आसपास ही है। फिर NIT जमशेदपुर आती है, 100% यहाँ प्लेसमेंट है, 24.55 LPA। सो हाँ, जमशेदपुर की NIF रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं हो सकती है, बट CSE के मामले में आप देख सकते हैं 100% प्लेसमेंट कराया है और एवरेज प्लेसमेंट 24.55 है। तो CSE के लिए NIT जमशेदपुर बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है और इसकी रैंकिंग भी इतनी अच्छी, इतनी ज़्यादा नहीं जाती है। NIT दिल्ली की बात करें, उसके बाद आती है, 98.36% प्लेसमेंट हुआ है और यहाँ का एवरेज 21.43 LPA। तो NIT दिल्ली CSE के लिए काफ़ी अच्छी चॉइस आपके लिए हो सकती है। बाकी की ब्रांचों का इतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं है बट CSE का दिल्ली में बहुत ही कमाल का प्लेसमेंट है। और NIT राउरकेला आती है, इसके बाद में 95.49% प्लेसमेंट है और 20.89 एवरेज प्लेसमेंट यहाँ का गया। फिर NIT कैलीकट आती है, 100% प्लेसमेंट है और 20.55 LPA एवरेज है इसका। फिर NIT जयपुर आती है, 96% प्लेसमेंट है और एवरेज 20.35 LPA है। उसके बाद NIT दुर्गापुर आती है, 95.89% प्लेसमेंट है और 18.24 LPA NIT दुर्गापुर का है। उसके बाद NIT कुरुक्षेत्र आती है, 98.9% प्लेसमेंट है और 18.22 LPA इसका एवरेज है। NIT भोपाल का एवरेज 16.74 है। उसके बाद NIT हमीरपुर आती है, 96.8% CSE प्लेसमेंट है और 18.22 LPA एवरेज है। उसके बाद NIT गोवा आती है, जिसका 100% प्लेसमेंट है और 16.08 LPA एवरेज है CSE का। NIT रायपुर आती है, 89.65% प्लेसमेंट है और 15.86 LPA यहाँ का एवरेज आप मान सकते हैं। उसके बाद NIT जलंधर आती है, जलंधर का 88.76% CSE का प्लेसमेंट है और एवरेज 15.68 LPA। उसके बाद आपकी NIT पटना आती है, 96.36% प्लेसमेंट है और एवरेज 14.95 LPA। उसके बाद NIT सिलचर आती है CSE के मामले में, 91.47% प्लेसमेंट है और एवरेज प्लेसमेंट 14.90 LPA है। उसके बाद NIT नागपुर आती है, परसेंटेज में 98.36% प्लेसमेंट है और एवरेज 13.75 LPA। तो ये टोटल 22-23 NITs हैं जिनका CSE का प्लेसमेंट मैंने आपको बताया। तो इस जो मैंने आपको बताया, इसमें कौन सी चीज़ आपको अमेजिंग एंड सरप्राइजिंग लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे भी लगी हैं। सो एवरेज प्लेसमेंट के हिसाब से आप कॉलेज को फिल कर सकते हैं। CSE के लिए कुछ कॉलेज ऐसी हैं जो बहुत ही अच्छी हैं लेकिन जिनकी रैंकिंग आपको कम कट ऑफ पे भी मिल जाएंगी, जैसे NIT गोवा की बात करूँ, NIT दिल्ली की बात करूँ, NIT जमशेदपुर की बात करूँ और NIT सिलचर। तो ये कॉलेज आपको, अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है तो भी आपको CSE मिल सकती है और इन कॉलेज में आप CSE ले भी सकते हो। थैंक यू सो मच। और जोसा के लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है 2023 के स्टूडेंट्स के लिए, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल रहा हूँ। आप
वहाँ जाके उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं कॉलेज चॉइस फिल करने से पहले। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ए मैकेनिकल इंजीनियर फ्यूचर में आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आप ही से रिलेटेड लेके आने वाला है। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।